Hi students, here is Nishikant Pradhan from Government IIT Cuttack. For next 30 minutes, you all are with me on this subject, Tread Theory of Mechanical Motor Vehicle Tread. And our today topic is the charging system. Before going to the charging system, first we should know what are the objectives, what we learn after the this class. First, Faraday's law of electromagnetic induction, which I am already one of first year we padhi thile. Next one, the Fleming's right hand rule. Next one is the charging system and components, alternator, and what are the construction of alternators and parts of the alternators, and how alternator works, and the working principle of the charging system. And first we should know the Faraday's laws of electromagnetic induction. Kaing jeto ame generator paku jauche e jagare amra generator katha kouche to generator eti kon kouche generator motor bhitare gote difference hela kono na generator kon kouche generator na mechanical energy ki electrical energy re convert kouche to ame तो से जिनसा किए आमको देखेदेना हूँ फाराडेज फाराडेज ल स्टेट दैट फास्ट ल दुटा लॉ अच्छे फाराडेज ल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फास्ट ल कहला कौन ना फाराडेज ल स्टेट दैट द व्हेन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन जदि आम कौन सर्किट में गोटे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है मैग्नेटिक फ्लक्स गोटे मैग्नेटिक फील्ड भी जाए जगह लिंक है आम से जगह कौन हम ना आम करेंट बा ईएमएफ इंड्यूस हम तो ईएमएफ मैंने वोल्टेज इंड्यूस हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हम जो आम ये कौन करना करेन्टा फ्लो कर नेक्स्ट जिस कहला द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस सेकंड लॉ कहूँ जी अमाउंट से फ्लक्स लिंकेज हम से अमाउंट से करेंट जेनेट हम जब अधिक लिंकेज है तो अधिक करेंट जेनेट हम तो यहाँ पर भी आम आउ गए लॉ भी या भितर मैंने जाऊँ कौन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कौन कहला जब आम तीन टाइम मो आंगुटी की नम राइट हैंड र आम तीन टाक म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा ये कौन हो जो आमर अच्छी थम्ब अच्छी ये क्या रिप्रेजेंट कर मूवमेंट ऑफ कंडक्टर कंडक्टर को आम कौन मूवमेंट करा उपरक मूवमेंट करा कि तौक मूवमेंट करवा आमर फोर फिंगर टाइम इंडिकेट करोटी ना मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड कौ डिरेक्शन अच्छी आमर मिडिल फिंगर टाइम आम देखा करेन्ट इंडस्ट्री कंडक्टर जदि आम देखापी जावा जदि यहाँ हूँ गोटे मैग्नेट दुटा हूँ मैग्नेट अच्छे जगह यहाँ हूँ नर्थ यहाँ हूँ साउथ सब नर्थ रू साउथ कौन कौन फोर्स गुटा मुव करती यदि कंडक्टर टाक मुझे तले जो कंडक्टर जब एम उपरक उठेबी तेल सी केमी मुव कर देखिए आम ये देखा ये उपरक उठुची टाइप मुवमेंटा अच्छे कौटिक ना नर्थ रू साउथ को अच्छी तो करेन्ट डिरेक्शनटा एपट को जीव जदि आमर सरी आम देखे एपटे जब नर्थ एटा न रखी एटा को रखिले आम नर्थ आउ साउथ रखिले जदि आम यप देखा दे आम कौन हो नर्थ रू साउथ को जीव एटा इंडिकेटर आरटा एपट न रही ये पाक रहा तेल जब आम यहाँ देखा तो यहाँ हूँ कौन ना मैग्नेटिक फील्ड आमर जदि शो कराला आम मैग्नेटिक फील्डा को करेन्टा कौन ए डिरेक्शन आम फ्लो कर देखिए द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से इज यूज टू डिटरमाइन द डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेन्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेस द थंब फोर फिंगर जो संपर्क कल परस्पर परपेंडिकुलर रखिले द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर द सेंटर फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट तो यहाँ तुम जब गला ये मोशन कला मैं कंडक्टर टाक मुझे टेकिली जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एपटे साउथ साउथ एपटे अच्छी तो सी मुव करुच्चे कौन कला ना कंडक्टर करेन्टा ये डायरेक्शन फ्लो करमी नॉर्थ साउथ चेंज होगा करेन्ट डायरेक्शन भी चेंज होके आमर ही अल्टरनेटर प्रिंसिपल होती नेक्स्ट आम हूँ चार्जिंग सिस्टम केमी चार्ज हुए ना आज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू ए सर्किट ए केमिकल रिएक्शन इन द बैटरी स्टार्ट टू ड्रेन द बैटरी ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जितने इलेक्ट्रिकल आम इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा सर्किट में मूव करती बैटरीटा कौन हो ड्रेन हो जाए कम बैटरी स्टोर कर रखी इलेक्ट्रॉन गुड़ा तो सी कौन करना ऑटोमेटिकली ड्रेन हो द इंजन अल्टरनेटर इज एन इलेक्ट्रॉन पंप व्हिच यूजेस टू इंजन रोटेशन मोशन टू क्रिएट ए वोल्टेज मेनी पीपल आमर एटी कौन करे ना आमर ये जो अल्टरनेटर कौन करना पुण थ चार्ज करेब क्या ना बैटरी कह मेनी पीपल डिस्क्राइब द अल्टरनेट एज जस्ट रिचार्जिंग बैटरी आम गुड़ा लोक कहते हैं केवल से बैटरी रिचार्ज करमी नुह कम जिते अलरेडी मैंने मैंने इंजिन स्टार्ट हो जाए सबूक भार अल्टरनेटर पर ही पड़े अल्टरनेटर सब जगह काम ही कै ओके नेक्स्ट है चार्जिंग सिस्टम फैक्ट चार्जिंग सिस्टम कंपोनेंट कौन कौन अच्छी ना आम गोटे एसी जेनेटर रेक्टिफायर एंड रेगुलेटर चार्ज इंडिकेटर इग्निशन स्विच आ गोटे हूँ बैटरी तो फास्ट आम सबुठ बड़ पार्ट आ भितर हूँ जो एसी जेनेटर जो आम कहे अल्टरनेटर बोले तो यहाँ हूँ अल्टरनेटर फिगरटा तो अल्टरनेटर प्रिंसिपल केमी रही है जो आम टे सब डिस्कसन कले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अल्टरनेटर डिजाइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
and the fact when the electric conductor cuts through the lines of force of a magnetic field, an electric potential is induced in the conductor. तो इटा हमारा कहुतले फास्ट लॉ फाराडेज फास्ट लॉ रे जो डिस्कवर करा हितला से जिन सोडा एठी भी अछि हमारा दीटा जगह रे हम फ्लक्स को लिंकेज करे परबो आइदर मैग्नेटिक फील्ड ही कांस्टेंट रखी भीतर कंडक्टर को बुले परबो नले कंडक्टर को कांस्टेंट रखी मैग्नेटिक फील्ड ही भीतर बुले परबो तो एठी हम कोन करछु ना डायनामो रे हम कोन करथु ना मैग्नेटिक फील्ड रखा हितला मजे कंडक्टर को बुलाउथुलो कंडक्टर हम कोन करथु ना एक्सट्रैक्ट करउथुलो हमर कोन ना इलेक्ट्रिसिटी एठी हम उल्टाड करलो मजे मैग्नेटिक को बुलेलो से आमर चारिपट रखिलु ताक ना कंडक्टर को कंडक्टर ये कट कला लाइन्स ऑफ फोर्स तापर से आम कौन कल ना ड्र कलु इलेक्ट्रिसिटी एट इज दिस प्रिंसिपल शोन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एट सिंपलेस्ट फॉर्म ये कौन मैग्नेट गोटे कौन कर मुव करोर आम कंडक्टर कौन हो ईएमएफ इंड्यूस हो एंड पर्पज आम कौन लगे अल्टरनेटर आगे तो डायनामो थी तो सुविधा थी आम लगे कौन अल्टरनेटर लगे आवश्यकता कौन पड़ा आमर डायनामो तुम देखी थो आगर सैकल आसूला छोट आगे गोटे लाइट टे पचप गोटे डायनामो थी सैकल पेडल मारे 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 जाती जो मैंने अधिका स्पीड में मार अधिका जोर लाइट जल्द पुणी जो कमी जाए पुणी लाइटा कमी जाए तो सीटा कौन है ना जो आम कौन सिटी एरिया गाड़ी चलाऊ जानको गोटे फोर व्हीलर आम सिटी एरिया चलाऊ तो सिटी एरिया आम तो ट्राफिक जिनस जाम ही रही तो आम गाड़ी बहुत स्पीड नहीं पारे से जगह से कौन सफिसीयंट चार्ज प्रोवाइड कर ताकू आम ओभरकम करने कौन कलु ना अल्टरनेटर लगेदल जो लोअर टीएम आमर अधिका मान आम करेन्ट जेनेट कर पार्ला जोटा आमको सुविधा है चार्जिंग से जिन से कही प्रेजेंट डे से आम जेनेटर जगह लगे हायर स्पीड द वेहकल इन लार्ज सिटीज हाव टू ऑफन मूव एट वेरी स्लो स्पीड ड्यू टू हेवी ट्राफिक नॉर्मल द डीसी डायनामो विल नॉट एबल टू चार्ज द बैटरी एट सच स्लो स्पीड से स्लो स्पीड में मैंने एबुल हेने से चार्ज करने डायनामोटा से आम कौन कलु ना आम से एसी जेनेटर जो अल्टरनेटर आम से लगे एंड अल्टरनेटर ये प्रिंसिपल कौन थी ना ये प्रिंसिपल अच्छे केमी काम करा कौन यार अल्टरनेटर भल ये मैग्नेटिक वाइंडेड इन्सुलेटर का प्रयोग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट फेसेस द राइट ये नॉर्थ पोल राइट की राइट की फेसेस कर साउथ पोल फेसेस द लेफ्ट साउथ पोल कौन फेस कर लेफ्ट को फेस कर अपन द रोटेटिंग आर्मेचर मैग्नेट ये कौन कर आर्मेचर टाइम जगह कौन कर रोटेट करुँ रोटेट कले कौन हम ना ये जितेबाला आम टे समय देखुले जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स अनुसार जो नॉर्थ एपटे अच्छी तो गोटे पटे सैड्रे करेंट फ्लो कला पुणी साउथ हेल्ला पुणी अल्टरनेट से फ्लो कर जेहतु बोथ साइड में से करेंट फ्लो कर अल्टरनेटली करेंट फ्लो करल्टरनेटर ओके द अल्टरनेटर यहाँ हो कंस्ट्रक्शन टाइप्स कौन कौन अच्छी जमीन बियरिंग कवर बुश कवर कवर स्टार्टर फ्रंट कवर पुली रोटेशनल असेंबली बियरिंग ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द अल्टरनेटर ताको आम के मेन पार्ट नहीं चुके अल्टरनेटर जेन ड्राइव एंड फ्रेम रोटर रोटर आर्मेचर स्टार्टर डायोड स्लिप रिंग एंड फ्रेम वोल्टेज रेगुलेटर आउ करंट रेगुलेटर तो फास्ट जी आम ड्राइव एंड फ्रेम यहाँ हूँ ड्राइव एंड को से केवल सपोर्ट कर प्री रुबुकेटेड सील्ड बियरिंग गोटे बियरिंग प्रोवाइड कर साफ्ट को धरिक रख रोटर एंड इट साफ्ट इज माउंटेड एंड एनकेस बिटवीन द ड्राइव फ्रेम एंड स्लीपिंग एंड फ्रेम स्लीपिंग एंड फ्रेमटा और ड्राइविंग एंड फ्रेमटा ये आगे जगह से माउंटिंग रही माउंटिंग रखी से ओके यहाँ हूँ रोटरटा रोटर आर्मेचर देखा ये टाइप रहा देखा यहाँ आम तार व्यूटा ये देखिए कौन कौन तरह पोल पीसेस अच्छी फील्ड वाइंडिंग्स अच्छी भितर जो युवा फील्ड वाइंडिंग्स पोल पीसेस दीज आर द साफ्ट आठ आम स्लीप रिंग्स अच्छे दुटा स्लीप रिंग मुझे देखी आसेस अच्छे कार्बन बुश ये आसिक लगी था आगे आम कौन करूँ ना करेन्ट प्रोवाइड करूँ तो आम अल्टरनेटर आउ जो डायनामिक्रे टे डिफरेन्स अच्छे आम कौन कलु ना अल्टरनेटर आम रोटर को आणिकी आम प्रथम करेन्ट दू करेन्ट दे कौन मैग्नेटाइज हुए मैग्नेटाइज कैसे मुव करेपर से कौन कर ना इलेक्ट्रिसिटी प्रड्यूस कर दिस कॉन्स्टिट्यूट स्टील साफ्ट व्हिच कैरीज द ड्राइविंग पुल एंड कूलिंग फैन ये गोटे कूलिंग फैन भी अच्छे जोटा कूल करने यूज कर जगहटा इन्सुलेटर वायर आर वाउंड ओवर अ कोर टू फॉर्म द फील्ड वाइंडिंग्स ईच एंड ऑफ द वाइंडिंग्स इज कनेक्टेड टू इट्स ओन स्लिप रिंग्स एंड स्प्रिंग लोडेड ब्रश ये प्रत्येक आम वाइंडिंगटा तो स्लीप रिंग सहित कनेक्ट होती कारण से तार से पाइब से तार आम कौन ना करेन्टा से पाइब द वाइंडिंग इज एनक्लोज बाय टू आयरन फोर पीसेस व्हिच एट इंटरलॉकिंग फिंगर्स ये आठटा इंटरलॉकिंग फिंगर्स अच्छे से कनेक्टेड है से टाइप रके यहाँ हूँ रोटर और आर्मेचर नेक्स्ट वन द स्टार्टर स्टार्टरटा देखा ये टाइप रोटे भितर जो देखिए स्टार्टरटा इट इज अ स्टेशनरी पार्ट व्हिच इज हेल्ड बिटवीन टू एंड कवर्स कारण मझे से बुलेला ये स्टेशनरी ये मुव करूनी ये कन्स्टांट अच्छे तो दिस कनसीस्ट अफ ए लैमिनेटेड सिलिंड्रिकल आयरन कोर व्हिच इज सिलेक्टेड टू परमिट द फिटिंग्स अफ थ्री सेट्स अफ इन्सुलेटर वाइंडिंग्स
और तीन टा सेट एड इंसुलेटर वाइंडिंग अच्छी इन द लाइटर यूनिट्स दिज वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड एंड द हेवियर यूनिट्स डेल्टा कनेक्टेड लाइटर यूनिट स्टार कनेक्टेड होता है आउ हेवियर यूनिट डेल्टा कनेक्टेड होता है देखिए कमी स्टार कनेक्टेड आगू आम फिगर अच्छे गोटे देन पोल्स एंड एस पोल्स ऑफ द मैग्नेट पास इज स्टार्टर वाइंडिंग एंड ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स द करंट इज जनरेटेड इन द स्टार्टर वाइंडिंग जेहतु आसिक इंटरप्शन करे आम मैग्नेटिक फ्लक्स गुड़ा आस कट हुए आज आमर कौन हुए ना ये जगह आम इलेक्ट्रिसिटी प्रड्यूस हुए आम डायोड देखिए डायोड्र काम समस्त जानते हैं प्रीवियस इयर पढ़ी से गोटे डायरेक्शन जब फॉरवर्ड वाइज नहीं केवल से करंट फ्लो कर रिवर्स वाइज मूव करना जब उल्टा लगे से करंटा को अलाउ करना नहीं पछुक आसपा एंड स्लीपिंग एंड फ्रेम द स्लीपिंग एंड फ्रेम सपोर्ट द रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट्स एंड प्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स रेक्टिफायर माउंटिंग प्लेट्स आदर लगी था जैसे सब रेक्टिफायर गोटा माउंटिंग प्लेट्स गोटे आदर लगी था एंड प्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग रोटर साफ्ट आर भर भी आम लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स भी आ सैड लगे जो रोटरटा ये माउंटिंग होता है द रेक्टिफायर्स आर प्रेस्ड इन टू द स्लीपिंग एंड हेड और हिट सिंक एंड कनेक्टेड टू द स्टार्टर लिप ये आम स्लीपिंग गुड़ा मैंने रेक्टिफायर्स आर प्रेस्ड इन टू द स्लीपिंग आम रेक्टिफायर गुड़ा स्लीपिंग गुड़ा प्रेस हो रही था ओके कहला करेंट रेगुलेटर ये करेंट रेगुलेटर आम जेनेल यूज हुए कहीं यूज हुए ना जिते बम मानने फिल्ड में करेंट जदि आम सफिसीयंट होगा तार गोटे कौन होमर आठ मानने करेंट एक्सट्रा से दब ना कारण से दुटा फिल्ड बालान्स होती आम देखा रोटर आउ स्टार्टर भितर रोटर कौन करना घूरू तार मैग्नेट जो स्टार्टर आम कौन करना इलेक्ट्रिसिटी द्वारा प्रड्यूस हो जदि निजर से इलेक्ट्रिसिटी से जेनेट करदेव स्टार्टर सी भी तार गोटे मैग्नेटिक फिल्ड जेनेट कर जो मैग्नेटिक फिल्ड सी बालान्स हो आठ करेन्ट से मूव करना ना यहाँ हूँ से आम ये करेन्ट रेगुलेटर लगोना आम करेन्ट रेगुलेटर आवश्यकता ना ये जगह प्रायत नेक्स्ट वन वोल्टेज रेगुलेटर ये वोल्टेज रेगुलेटर निहाती आवश्यकता अच्छी कारण आम सब जिस प्रोटेक्ट करा जरूरी अधिक वोल्टेज गले आम से पार्ट्स को कंपोनेंट को डैमेज करें दिस इज डन बाय यूजिंग वोल्टेज रेगुलेटर व्हिच वेरीज द करंट फ्लो जोड़ा आम ये वोल्टेज रेगुलेटर केमी करूँ ना रेगुलेट करो वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा द वोल्टेज रेगुलेटर कंट्रोल्स द फील्ड करंट अप्लाइड द स्पिनिंग रोटर इन साइड द अल्टरनेटर द अल्टरनेटर भितर जो आम रोटर को स्पिन करा भितर से कौन करके करेन्ट ही प्रोवाइड करे करेंट प्रोवाइड करे मैंने से मैग्नेटाइज हम मैग्नेटाइज हम मैंने से कौन कर ना आगे दबन से गोटे भितर बालान्स कर रखे जो 30.5 वोल्ट जब कमीगला तो सीता करेन्ट प्रोवाइड कर कौन है ना ए मैग्नेटाइज हो गला इलेक्ट्रिसिटी प्रड्यूस होगा जदि आम पुणी 14 वोल्ट 14.5 वोल्ट कि अधिक हो गला पुणी से कौन करना कटअप करदे एम कंटिन्यूसली से चार्जिंग डिस्चार्जिंग करुच्छे ओके से लिखाई दिस इज हाउ वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटेड एम्पीयरेज करंट रेगुलेटर बाय द स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी व्हेन द बैटरी इज वीक जितने वीक थी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड बैक द करंट फ्रॉम द अल्टरनेटर ट्राइंग टू रिचार्ज ताकू से पछुक पठे पारिबन सेतिबाय से कोन करिवो ना ताकू से चार्ज करेबो जितने बैटरी वीक थी जितने बैटरी स्ट्रॉन्ग हो जीवो ताले से कोन करिवो ना सी आउ चार्ज निजे भी हबन बिकॉज एज द बैटरी रिचार्ज स्टेट ऑफ फुल चार्ज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू अपोज द करंट फ्लो फ्रॉम द अल्टरनेटर द एम्पीयरेज आउटपुट फ्रॉम द अल्टरनेटर विल ड्रॉप टू क्लोज टू जीरो हेल द वोल्टेज विल रिमेन एट 13.5 टू 14.5 से द्वारा जो अल्टरनेटर भी आ जगह प्रड्यूस ही हम ना से प्रोवाइड करना ओके लास्ट ये आसमर ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर ऑपरेशन केमी कर स्पिन द रोटर इन साइड द स्टार्टर एंड अप्लाई करंट टू द रोटर थ्रू द पेयर ऑफ बुशेस दुटा बुश रे आम से कौन करना करंट दिखाई कौटना स्लीप रिंग थ्रू दे बुश रु स्लीप रिंग दे भर को जाऊँ से जगह आम कौन करेंट देखिए मैग्नेटाइज करूँ मैग्नेटाइज करके आम से भितर नर्थ पोल आउ साउथ पोल जेनेट करूँ जो फिंगर्स गुड़ा था तादेहर सी तथा मूव सीता मूव कलापर आम कौन हो मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो स्टार्टर जो थे कौन होना करेन्टा जेनेट हो ओके यहाँ आम सर्किटा देखिए आम अल्टरनेटर सर्किटा स्टार कनेक्टेड हो जगह लास्ट एंडटा तार रेक्टिफायर गुड़ा देखिए बैटेरी की जाइए रेक्टिफायर देखिए वोल्टेज रेगुलेटर एंड रोटर साफ्ट ये सब जिन लगी इग्निशन स्विच टू बैटेरी एंड लैंप डैशबोर्ड जो इंडिकेट कर चार्ज हो ना से इंडिकेट कर डैशबोर्ड में नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर जोड़ा आम एत परसेंट डिस्कसन करे कौन करना जो आम अल्टरनेटर करंट जेनेट हो एसी करंट जेनेट हो जोटा दरकार ना आम प्रायतः व्हीकल डीसी करंटर आवश्यकता से अधिक अच्छे से आम एसी की डीसी रे कन्वर्ट करवा केमी कन्वर्ट करवा से आम एसी की डीसी रे कन्वर्ट करने आम कौन करना डायोड यूज करते छटा डायोड यूज कराई डायोड काम कौन ना आम टे समय कहते डायोड गोटे ही डिरेक्शन से कौन करना करेन्टा को फ्लो कराइब से पछुक फेरइब ना जो गोटे डिरेक्शन फ्लो कर सी गोटे डिरेक्शन फ्लो कराइब आउ द सिक्स डायोड्स आर अरेंज्ड सो दैट द वोल्टेज कमिंग फ्रॉम द अल्टरनेटर इज अलाइन्ड इन वन डिरेक्शन देयर बाय कन्वर्टिंग एसी इनटू द डीसी करंट से एसी की डीसी कन्वर्ट करके छाड़ी
plus here two dyads for which three cell winding in the stator. So two dyads are facing in opposite. Dita dyad jo dechi se opposite direction re facing hei rahichanti. Jo thare amara kon korchi na semana AC ke DC re convert karuchanti. And the current to generate the magnetic field in the rotor comes from the ignition switch and passes through the voltage regulator. Since the rotor is spinning, we need a way to connect this current from the regulator to the spinning rotor. This is accomplished by the wire connected to the two spring loaded bushes which rub against the two slip springs of rotor shafts. ठीक है समझ रहा हूं मैं कोदरे जो वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा से रेगुलेट कर होतला तापर एपडे हमर करंट जाके स्लिप रिंग रे देखि जाउची. The voltage regulator monitors the voltage coming out of the alternator and when it reaches the threshold about 14.5 volts the regulator reduces the current in the rotor to weaken the magnetic field. आमे एटा भी ठीक है समझ डिस्कशन करते जतले से 14.5 रो अधिक रीच कर गेला से रोटर कोन करबो ना सेठु आउ जो वोल्टेज रेगुलेटर कोन करबो ताको दबो नहीं करंट करंट प्रोवाइड करिवन तो से मैग्नेटाइज हबो ने माने से करंट हमर पा प्रोड्यूस होबार ना तो देयर इज अनदर सेकंड अल्टरनेटर एंड कंट्रोल द चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लैंप्स एंड डैशबोर्ड जोटा लागे छि हमर डायोड अल्टरनेटर डायोड टायर सुटी लागे छि टेक्स करंट कमिंग ऑन द थ्री स्टार्टर वाइंडिंग्स एज पासेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ थ्री डॉट्स सो दैट ओनली पॉजिटिव वोल्टेज कम थ्रू द हमर केवल पॉजिटिव वोल्टेज से मान नियंती से हमर अल्टरनेटर करंट प्रोड्यूस ना हमर डायोड करंट प्रोड्यूस हुए ओके आउर गोटे तार पार्ट्स होइला हमर एटी फैन एंड वी बेल्ट पुली जोटा हमर एटी फैन इज फिटेड इन द अल्टरनेटर रोटर शाफ्ट एटी फैन टा लागी छे आ वी बेल्ट पुली एटी व्हेन द अल्टरनेटर इज वर्किंग हीट डेवलप जतरे कोनो जिंस घुरु छि सेटी हीट डेवलप हबो जोटा हमर कोन करबा ना ताको हमर रिड्यूस करे फैन लागी छे एटी वी पुली यूज करे जेटी पुरा हमर बेल्ट लागी जाके मूवमेंट करे हबो. नेक्स्ट वन इज द चार्ज इंडिकेटर. चार्ज हमर केते परसेंट अछि चार्ज इंडिकेटर माने तो ये चार्ज हूँ जदि चार्जिंग सिस्टम किसी जदि आमर प्रोब्लेम क्रिएट करेगा तालोले आम ये कौन करवा ना मुझे से शो करदेव कौन गोटे पार्ट्स खराब हो चार्जिंग सिस्टम जो बैटेरी आम ठीक है चार्ज होने सीएनजी लैंप और कमनली कॉल्ड चार्जिंग वार्निंग लाइट्स वार्निंग लाइट इज एन इंडिकेटर लाइट टू इंडिकेट द प्रेजेंस फेल्युअर ऑफ चार्जिंग सिस्टम. व्हेन द इग्निशन इज टर्नड ऑन देन दिस लाइट विल लाइट अप नॉर्मली एज वेल एज द इंजन लाइट दस लैंप सुट टर्न ऑन इफ इट डेड देन यू कुड मीन द चार्जिंग सिस्टम फेल्यूर जदि से काम करूनी जानवे चार्जिंग सिस्टम फेल्यूर है. नेक्स्ट वन द इग्निशन स्विच जितेपर्यंत इग्निशन स्विच न होते से चार्जिंग हमारे चांसेस ही ना द चार्जिंग सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द इंजन इज रनिंग बट टू जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर कॉइल मस्ट बी डन ए स्विच तो स्विच ही देने से एक्टिवेट हम ना एक्टिवेट हम से अन ऑफ स्विच से दिया है इग्निशन को जो अन हाँ से एक्टिवेट हम. नेक्स्ट वन इज द बैटरी. बैटरी विषय समस्त जाच बेस किसी कहार ना सी आम से केमिकल एनर्जी को आम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी स्टोर कै एंड वर्किंग प्रिंसिपल चार्जिंग सिस्टम से भाई काम करती इग्निशन स्विच जब अन तुम्हें करेंट गला बैटरी की बैटरी चार्ज कला तार इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट जेनरेट्स मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी ता भितर फ्लो कर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा बिफोर स्टार्टिंग इंजन टू प्रिपेयर जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी तर किसी स्टार्टर मोटर सब जाए इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाऊँच तो तीन टाइम जी प्रोसेस करती है डिस्कसन कर जेनेसन रेक्टिफिकेशन रेगुलेसन प्रथम जेनेट कला रेक्टिफाई करके एसी की डीसी कन्वर्ट कले आम रेगुलेट करूँ जो सामान अमाउंट जावा दरकार. नेक्स्ट मुझे तुमको गोटे भिड देखा देखी नि तुम कौन तर मैं केमी आम फंक्शन कर. An alternator is an electrical generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current. Electricity is produced in alternators by electromagnetic induction. There are two types to produce electricity in alternators. Type 1, rotating magnetic field with a stationary armature. Type 2, a rotating armature with a stationary magnetic field. Most alternators use a rotating magnetic field with a stationary armature. Now we are going to see the functioning of type 1 alternator. Main parts of alternator are rotor, stator, bearing, slip ring, regulator, DC generator, pulley, outer cover. Rotor produces a rotating magnetic field. Armature coils are stationary and rotating magnetic flux associated with the rotor induces electricity in the armature coils. Kind of rotor shown here is known as salient pole rotor.
For gaining better insight of its working, let's consider a rotor with just four poles. Rotor coils are excited with a DC power source. The rotor is made to rotate by a prime mover. This makes the rotor flux also rotate along with it, at the same speed. Such revolving magnetic flux now intersects the armature coils, which is fitted around the rotor. This will generate an alternating electromagnetic force across the winding. Since four-pole rotor has got two pairs of NS pole, when the rotor turns a half revolution, the induced EMF takes one complete cycle. So it is clear that frequency of the induced EMF is directly proportional to the number of poles and rotor speed. It can be easily established that frequency of induced EMF, rotor speed and number of poles are connected through the following relationship. It is clear from this relationship that frequency of electricity produced is synchronized with mechanical rotational speed. For producing three-phase AC current, two more such armature coils which are in 120-degree phase difference with the first is put in the stator winding. Generally, one end of these three coils are star connected and three-phase electricity is drawn from the other ends. Neutral cable can be drawn from the star connected end. It is clear from past equation that in order to produce 60 Hz electricity, a 4-pole rotor should run at following speed of 1800 rpm. Such huge rpm will induce a tremendous centrifugal force on poles of the rotor and it may fail mechanically over time. So salient pole rotors are generally having 10 to 40 poles, which demands lower rpm. Salient pole rotors are used when the prime mover rotates at relatively lower speed from 120 to 400 rpm. Pole core is used to effectively transfer magnetic flux, and they are made with fairly thick steel lamina. Such insulated lamina reduces energy loss due to eddy current formation. DC current is supplied to rotor with a pair of slip rings. This is the reason why a rotating magnetic field approach is used in alternator. If rotating coil method were used, slip rings have to fit it along with the armature coils in order to collect electricity. But transferring such high voltage electricity with slip ring is rather impractical. It is quite possible to transfer low voltage DC excite current with slip rings. This DC current is supplied either from an external source or from a small DC generator which is fitted on the same prime mover. Such alternators are called self-excited. With variation of load generator, terminal output voltage will vary. It is desired to keep the terminal voltage in a specified limit. Automatic voltage regulator helps in achieving this. Voltage regulation can be easily achieved by controlling the field current. If terminal voltage is below the desired limit, regulator increases the field current. This will result with increase in terminal voltage. If terminal voltage is below the specified limit, the reverse is done. ଆଜି ଆମେ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଲିମିଟ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ବାକି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଇଫ୍ ସିନ୍ସ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଇଫ୍ ଏନି କ୍ୟୁରିଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମି ଅନ୍ ମାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ଝିଅଟିଏ ତ ମାଆଟି, ଆମ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଳ କଥାଟିଏ। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଯିବ ସଂସାର, ଆମ ଝିଅମାନେ ଆଉ ପୁଅଙ୍କଠୁ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବଦଳିଗଲାଣି ସମୟ, ବଦଳିଗଲାଣି ଯୁଗ। ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଦକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ITI ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ତାଲିମ। ଏବେ ଆମ ଝିଅ ରହିବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ସବୁଠୁ ଉପରେ। ମୁଁ ସଫଳ, ମୁଁ କୁଶଳୀ, ମୁଁ ସୁଦକ୍ଷା।